गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन लेट्स स्टार्ट आवर जनरल नॉलेज क्लास फाइंड मी आंसर्स बुक आज हम लोग दो तीन चीज़ें नई नई लर्न करेंगे ओके फर्स्ट विल बी आवर ग्रीन ट्रीज ग्रीन अर्थ एंड द थिंग्स वी ऑप्टेन फ्रॉम ट्रीज एंड सेकेंडली वी विल लर्न अबाउट द पार्टी थिंग्स ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट आप लोगों की बुक का एक पेज है फन टाइम जिसमें कुछ कार्टून्स आपको गिवेन है एंड उनके नेम्स भी आपको गिवन है इट्स नॉट लाइक कि आपको सारे कार्टून्स अच्छे से याद होंगे या फिर आप लोग सारे कार्टून्स को पसंद करते होंगे सब देखते होंगे लेकिन हाँ आप लोगों को कुछ कार्टून्स तो आप लोग देखते हैं और आप लोगों को पता है सो so, हमें यह करना है कि जो जो कार्टून हमें इनमें से पता है आप हम लोग उनका नाम लिखेंगे ओके okay? आप सारे लोग उनका नाम लिखेंगे सो इट्स ऑल योर वर्क इसमें मुझे कुछ नहीं बताना है आपको ये तो आपको ऑलरेडी आता है तो आप अपने कार्टून्स जो भी आपके फेवरेट हैं जिनके भी नाम आपको पता है मैक्सिमम इन सब के नेम्स आप लोगों को राइट डाउन करना है ओके चलो हम लोग नेक्स्ट लर्न करना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रीन अर्थ हम लोग ग्रीन अर्थ के बारे में जानेंगे ग्रीन तो हमें पता ही है ग्रीन क्या होता है हरा रंग ग्रीन इज अ कलर विट मीन्स हरा तो हरा रंग देखो ये जो वन लिखा हुआ है जिस सर्कल में वो सर्कल भी कैसा है ग्रीन कलर का है इनफैक्ट ग्रीन अर्थ जिस फॉन्ट में लिखा है वो फॉन्ट कैसे लिखा गया है ग्रीन कलर से लिखा गया है अर्थ मीन्स क्या होती है जमीन धरती ओके सो so, ग्रीन अर्थ मतलब हमारी हरी भरी धरती और ये तो फैक्ट भी है सही बात ही है ये आप लोग घर से बाहर निकल के देखिए आपको अपनी धरती कैसे दिखाई देगी ग्रीन दिखाई देगी मार्केट प्लेसेस में नहीं होता है क्योंकि मार्केट प्लेस में कोई भी प्लांट्स तो होते ही नहीं है वहाँ पे तो हाउसेस होते हैं शॉप्स होते हैं दैट इज़ वाई मार्केट प्लेस जो है वो ग्रीन तो नहीं दिखाई देता लेकिन जब उससे बाहर निकलते हैं रोड के किनारे देखते हैं रोड साइड में देखते हैं या फिर किसी फील्ड में देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है ग्रीन अर्थ के जैसा दिखाई देता है इट सीम्स लाइक कि हमारी धरती कैसी है ग्रीन कलर की है कैसी है ग्रीन कलर की है ओके okay. और अर्थ को ग्रीन कौन बनाता है अर्थ को ग्रीन बनाते हैं हमारे ट्रीज ट्रीज टी आर डबल ट्री ट्री मीन्स पेड़ और इसके आगे S लगा दो ट्रीज ट्रीज मीन्स मोर देन वन ट्री मतलब बहुत सारे पेड़ तो अर्थ को ग्रीन कौन बनाता है ट्रीज बनाते हैं ट्रीज से हमें क्या क्या मिलते हैं ट्रीज से तो फर्स्टली मुझे उड मिलता है हम सभी को क्या मिलता है ट्री से उड मिलता है उड से हम लोग फर्नीचर्स बनाते हैं उड से जिस पे एग्जाम बोर्ड आप लोग जिस पे लिखते हैं ना वुड से ही बनता है जिस पेपर पे आप लोग लिखते हैं ना आपकी नोटबुक बुक्स ये सारे कैसे बनती हैं वुड से बनता है सारे ट्रीज से मिलने वाले वुड से बनता है यानी कि ट्रीज से हमें क्या मिलता है नोटबुक बुक, बुक एंड फर्नीचर्स सोफा जिस डेस्क पे आप स्कूल में बैठते हैं वो भी स्टेशनरी आइटम जो सारे आपकी किससे बनते हैं ऑलमोस्ट ट्रीज से ही बनते हैं जैसे आपकी पेंसिल है वो पेंसिल भी कैसे बनती है बताइए वुड की होती है ना उसके ऊपर तो कलर लगाया रहता है बस तो अगर आप लोग कलर को हटाएंगे इरेज करेंगे कैसे भी कलर को एलिमिनेट करेंगे तो वो कैसे पेंसिल किससे बनती है पेंसिल भी वुड से बनती है वुडन पेंसिल होती है यानी कि वो भी किससे मिलता है हमें ट्रीज से मिलता है, है। ट्रीज से हमें वुड मिलता है और वुड से हमें पेंसिल बन बनाते हैं ट्रीज से हमें वुड मिलता है और फिर वुड से हम लोग पेपर्स बनाते हैं जिस पर हम लोग लिखते हैं कॉपीज़ बनाते हैं ट्रीज से हमें वुड मिलता है और वुड से हम लोग फिर से पेपर बनाते हैं और उससे हम लोग बुक प्रिंट करते हैं ट्री से हमें वुड मिलता है और वुड से ही हम लोग क्या बनाते हैं क्लॉथिंग भी इनफैक्ट वेरियस क्लॉथ्स आते हैं जो कि वुड फाइबर से बनते हैं यानि कि आपको कपड़े भी मिलते हैं वुड से ओके और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं सनफ्लावर सनफ्लावर पता है आप लोगों को सन फ्लावर मैं बता देता हूँ सन मीन्स क्या होता है एस यू एन सन सन मीन्स सूरज एंड एफ एलो डब्ल्यू ई आर फ्लावर फ्लावर मीन्स फूल तो इसको बोलते हैं हम लोग एक ऐसा फूल जो हमेशा सन को फॉलो करता है सूरजमुखी फूल बोलते हैं सूर्यमुखी सूरजमुखी दोनों ही नाम सही हैं सूरजमुखी भी बोल सकते हैं और सूर्यमुखी भी बोल सकते हैं सो so, एक ऐसा फूल है ना ये जो जिसका नाम क्या है सनफ्लावर है इससे हम लोग ऑयल निकालते हैं क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं इससे हम लोग ऑयल सनफ्लावर ऑयल खाते हैं हम लोग इसमें हमारा खाना बनता है ऑयल ओ आई एल ऑयल ऑयल मीन्स तेल जिसमें खाना बनता है ना सब्जियां बनती है या फिर पराठे के ऊपर भी बनता है ओके सो देट इज़ कॉल्ड ऑयल ऑयल भी किससे मिलता है हमको फिर से प्लांट्स से मिलता है सनफ्लावर प्लांट से मिलता है मस्टर्ड प्लांट होता है सरसों का प्लांट होता है मस्टर्ड प्लांट उससे हमें क्या मिलता है उससे हमें मिलता है मस्टर्ड ऑयल ओके मस्टर्ड प्लांट से मस्टर्ड ऑयल मिलता है और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे हम लोग क्या निकालते हैं जिनसे हम लोग तेल बनाते हैं ओके जिनसे हम लोग तेल बनाते हैं इट मीन्स कि हम हमें तो पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं पेड़ हमारी धरती को हरा भरा रखते हैं पेड़ से हमें उड़ मिलता है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं बैठने के लिए स्कूल में पढ़ने के लिए भी हम लोग डेस्क एंड टेबल बनाते हैं, 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 हैं। और हम लोग ट्रीज से और क्या बनाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए कॉपीज़ बनाते हैं बुक्स बनाते हैं पेंसिल्स बनाते हैं ये सब ट्रीज से बनती हैं फिर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं अर्थ पे जो अर्थ को ग्रीन करती हैं और उनसे हम लोग खाने वाले आयल्स बनाते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स जैसे क्लोदिंग्स भी बनती हैं उनसे ओके okay. अच्छा ट्री से रबर भी एक रबर ट्री होती है जिससे हम लोग रबर बनाते हैं रबर ट्री रबर ट्री जिससे आप लोग इरेज करते हैं ना वो भी ट्रीज का ही पार्ट है वो भी ट्री से ही आता है जो आपका इरेजर है ना वो भी ट्री से ही बनता है तो रबर ट्री इससे तो और भी चीज़ें बनती हैं जैसे आपके बसों के टायर बनते हैं आपके साइकिल के व्हील्स बनते हैं सब कुछ किससे बनता है वो भी ट्री से ही बनता है ओके सो इट मीन्स कि ट्रीज़ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है ट्रीज से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं ओके चलो अब थोड़ा सा हम लोग इसको रीड आउट करेंगे हम लोग को हमेशा रीडिंग प्रैक्टिस करना है ना रीडिंग कभी नहीं छोड़ना है तो चलो रीड आउट करते हैं हर एक वर्ड का मतलब समझने का प्रयास करते हैं ओके लेट्स स्टार्ट ट्रीज ट्रीज मीन्स बहुत सारे पेड़ मेक मेक मीन्स बनाना आवर मीन्स हमारा अर्थ मीन्स धरती ग्रीन मीन्स हरा तो ये तो मिला के अगर पढ़ोगे तो बहुत आसानी से पढ़ सकते हो एंड मीन्स और ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर तो चलो पढ़ते हैं ट्रीज मेक ट्रीज बनाते हैं आवर अर्थ हमारी धरती को ग्रीन हरा एंड और ब्यूटिफुल सुंदर इट मीन्स ये लाइन क्या कह रहा है हमसे मैं एक बार और इरेज करता हूँ और फिर शुरू से पढ़ते हैं ट्रीज पेड़ मेक बनाना आवर अर्थ हमारी धरती को ग्रीन एंड ब्यूटिफुल हरा और सुंदर तो ट्रीज हमारी धरती को कैसा बनाते हैं हरा भरा बनाते हैं और सुंदर बनाते हैं दे मीन्स वे कौन क्या वे ट्रीज दे आर वेरी यूज़फुल टू अर्स यूजफुल मतलब बहुत उपयोगी होते हैं यूज़ करना मतलब प्रयोग करना ये वर्ड तो हम लोगों ने लर्न कर रखा है यू एस ई यूज़ यूज मीन्स प्रयोग करना एंड यूज़फुल मतलब उपयोगी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो हमारे यूज़ में आती हैं मोस्टली हमारे यूज़ में आती हैं प्रयोग की जाती हैं उनको क्या बोलते हैं यूजफुल थिंग्स सो ट्रीज़ भी तो हम लोगों के लिए यूज़फुल है ना ट्रीज़ भी क्या है हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है दे आर वेरी यूजफुल टू अस वेरी मीन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल मीन्स उपयोगी हैं टूअर्स मीन्स हमारे लिए सो दे आर वेरी यूजफुल टू अस यानी कि ट्रीज़ आर वेरी यूज़फुल टू अस ट्रीज़ हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? useful हैं यूज़फुल हैं उपयोगी हैं हम लोग उनका बहुत सारे कामों में उपयोग करते हैं मैंने तो शुरू में ही आप लोगों को बताया कि ट्रीज़ से हम लोग क्या क्या काम करते हैं अगर ट्रीज़ नहीं होते तो आपको पेंसिल ही नहीं बनती तो फिर आप लिखते कैसे ट्रीज़ नहीं होती तो फिर आपकी नोटबुक ही नहीं बनती आपकी बुक ही नहीं बनती तो आप पढ़ते कैसे ट्रीज़ नहीं होती तो आपके घर में ऑयल्स भी नहीं होते जब अगर सनफ्लावर प्लांट्स नहीं रहेंगे मस्टर्ड प्लांट्स नहीं रहेंगे अदर फ्लावर प्लांट्स भी नहीं रहेंगे आपके पास ट्रीज नहीं हो तो आपको तो फ्रूट्स भी नहीं मिलेंगे ना ट्रीज से ही तो फ्रूट्स मिलते हैं मैंगो है, है, ट्री से मैंगो मिलता है एप्पल ट्री से एप्पल मिलता है पेमोग्रेनेट ट्री से पेमोग्रेनेट मिलता है गवावा ट्री से गवावा मिलता है सो जितने भी फ्रूट्स आपके पास हैं हर एक फ्रूट के लिए एक अलग टाइप का ट्री बनता है उसी ट्री से वो पर्टिकुलर फ्रूट मिलता है सो ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल टू अस ओके नाव कम टू द नेक्स्ट ये यूज़फुल वर्ड हम लोगों ने लर्न कर लिया है ये याद भी रखना है फिल इन द बॉक्सेस अब नीचे क्या है हमको एक बॉक्सेस मिलेंगे ऐसे बॉक्स बनाए होंगे और इन्हें हमें क्या करना है फिल करना है एफ आई डबल एल ये वर्ड तो हमें लर्निंग है फिल भरना भरना है उन बॉक्सेस को हमें भरना है विद द नेम्स ऑफ थिंग्स किस से भरना है नेम्स नाम से भरना है ऑफ थिंग्स थिंग्स मीन्स चीज़ों के नाम से चीज वस्तुएं सामान तो उन सामानों के नामों से भरना है विच आर ऑपटेंट ऑपटेंट मतलब पाना ऑपटेंट मतलब प्राप्त करना पाना ऑपटेंट फ्रॉम प्लांट्स जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं ना, ऐसी चीज़ें जो हमें प्लांट्स से मिलती हैं उनको हमें क्या करना है बॉक्सेस में फिल करना है ओके okay? अभी आप नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा बॉक्सेस एंड आइटम्स और उनको आप बॉक्सेस को आपको फिल करना है चलो एक बार और हम लोग थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करते हैं कुछ वर्ड्स जो आज हम लोगों को सीखने को मिले ओके okay? और ये वर्ड्स हम लोगों को हमेशा के लिए रिमेंबर करना है लर्न कर लेना है फर्स्ट ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मीन्स सुंदर एंड यूजफुल यूजफुल मीन्स उपयोगी जिसका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ओके एंड थर्ड वर्ड इज़ ऑपटेंट ऑपटेंट मीन्स मिलना प्राप्त होना एंड फोर्थ वर्ड इज़ फिल एफ आई डबल एल फिल फिल मीन्स भरना इन चारों वर्ड्स को आप लोग वर्ड मीनिंग में भी लर्न करेंगे ओके कम टू द नेक्स्ट ये है ट्रीज से हमें क्या मिलते हैं देखिए ये गवावा मिलता है देन दिस इज एप्पल दिस इज पैमोग्रेनेट दिस इज मैंगो सो इनके नाम यहाँ पे इन बॉक्सेस में लिखने हैं मैंगो एप्पल गवावा एंड पैमोग्रेनेट ओके ये आप लोगों को फिल करना है मुझे नहीं फ़िल करना है ये आपकी एक्सरसाइजेज़ हैं ये आपको कंप्लीट करनी है लेकिन मैं उसे समझाता हूँ कि किस में क्या करना है और हमें ट्रीट से क्या क्या मिलता है ये देखिए बहुत सारे स्पाइसेस हैं इसमें जैसे टर्मरिक हल्दी टर्मरिक मिलती है और भी बहुत सारे स्पाइसिस हैं रेड चिली है एंड दिस इज़ कोरिएंडर धनिया पाउडर है एंड दिस इज़ जीरा पाउडर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें खाने की और स्पाइसेस में मिलते हैं तो इन सब के भी नाम आपको लिखने अपने मॉम डेंड डैड से पूछ के लिखना है इनको एंड दिस इज वॉट दिस इज मेडिसिन प्लांट से हमें मेडिसिन भी मिलता है दिस इज अगेन अ इम्पॉर्टेंट थिंग प्लांट से हमें क्या मिलता है प्लांट से हमें मेडिसिन मिलते हैं ओके सो मेडिसिन लिखना है प्लांट से हमें मेडिसिन मिलते हैं ये कॉटन ट्री है क्या ये कॉटन ट्री है कपास का पेड़ कहते हैं इसे तो ये कॉटन ट्री है इससे हम लोग पिलो बनाते हैं पता है कॉटन से हम लोग पिलो बनाते हैं और कॉटन से ही फैब्रिक्स बनते हैं हम लोगों ने तो फैब्रिक्स लर्न किया ना कॉटन से ही फैब्रिक बनते हैं और उनसे कपड़े बनते हैं ओके यानी कि आप बोल सकते हैं कॉटन से हमें क्या मिलता है क्लॉथ्स मिलते हैं तो आपको यहाँ पे क्लॉथ्स भी लिखने होंगे ये देखो ट्रीज से हमें और क्या मिलता है ट्रीज से हमें मिलता है लॉग वुड लॉग्स दिस आवर कॉल्स लॉग्स वुड लॉग्स तो हमें वुड उडलॉग्स मिलते हैं ये भी आपको फिल करना है कम टू द नेक्स्ट दिस इज आवर सनफ्लावर ऑयल वैसे ही हमें ट्री uh, से क्या मिलते हैं ऑयल्स भी मिलते हैं यानी कि ट्री से हमें सनफ्लावर ऑयल्स मिलते हैं ट्री से हमें मस्टर्ड ऑयल मिलते हैं एंड ट्री से हमें वेरियस काइंड ऑफ ऑयल्स मिलते हैं तो ये आपको ऑयल्स नेम्स लिखने हैं यहाँ पे देन द लास्ट इज़ ट्री से हमें रबर ट्री से हमें क्या मिलता है रबर मिलता है जिससे हम लोग क्या बनाते हैं जिससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और उन सारे सामान के नाम लिखेंगे ये क्या लिखा है ये रबर व्हील है रबर टायर है इनफैक्ट तो हम लोग लिखेंगे रबर टायर मिलता है हमें ओके इरेजर भी हमारा इसी से बनता है ट्रीज़ पे ना लोग अपना घर भी बनाते हैं और वैसे घर को क्या बोलते हैं जो घर ट्रीज पे बने होते हैं उस घर को क्या बोलते हैं ट्री हाउस क्या बोलते हैं ट्री हाउस ऐसे घर जो ट्रीज़ पे बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं ट्री हाउस बोलते हैं ये वर्ड लर्न करना है एंड दिस इज इट अगेन ओके चलो लेट्स कम टू नेक्स्ट दिस इज लेट्स पार्टी लेट्स का मतलब होता है आओ चलें जब भी आपको आ, किसी के साथ कहीं जाना हो या फिर कोई बात करनी हो तो आप लोग बोलते हैं लेट्स लेट्स मीन्स आओ चलें कहाँ चलें तो लेट्स पार्टी आओ चलो पार्टी करते हैं लेट्स पार्टी मीन्स आओ चलो पार्टी करते हैं पार्टी क्या होता है पार्टी इज एन प्लेजर इवेंट पार्टी इज एन इंजॉयमेंट इवेंट पार्टी इज एन इवेंट जहाँ पे ज़्यादा लोग एक से ज़्यादा लोग गैदर होते हैं और वो लोग हंसते हैं गाना गाते हैं डांस करते हैं क्लैपिंग्स करते हैं एक दूसरे को विशेस देते हैं तो ये इवेंट जो है क्या कहलाता है पार्टी कहलाता है जहाँ पे लोगों की गैदरिंग होती है एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर और कुछ इंजॉयमेंट करते हैं तो पार्टी इज एन इंजॉयमेंट इवेंट पार्टी इज एन इवेंट ऑफ इंजॉयमेंट आपको इन्जॉय करने के लिए अगर आप कोई एक इवेंट प्लान करते हैं तो वो इवेंट क्या कहलाते हैं पार्टी कहलाता है सो लेट्स पार्टी जैसे आप लोगों की बर्थडे पार्टी होती है तो जो भी जो पार्टी हम लोग बर्थडे के दिन मनाते हैं वो बर्थडे पार्टी कहलाएगी ओके इंडिपेंडेंस डे पार्टी तो जो पार्टी हम लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे वो इंडिपेंडेंस डे पार्टी हो जाएगी दिवाली पार्टी जो पार्टी हम लोग दिवाली के दिन सेलिब्रेट करेंगे वो दिवाली पार्टी हो जाएगी फिर वैसे क्या हो सकता है और बताओ होली पार्टी जो पार्टी हम लोग होली के दिन प्लान करते हैं जो भी इंजॉयमेंट के लिए इवेंट हम लोग होली के दिन प्लान करते हैं वो पार्टी क्या कहलाएगी लाएगी होली पार्टी ओके एक इमेज है यहाँ पे जिसमें एक गर्ल है और एक डॉगी है छोटा सा डॉगी है तो ये दो लोग हैं इस लड़की को गर्ल मीन्स लड़की इस लड़की को इस क्लाउड बॉक्स से शो किया गया है देखिए दिस गर्ल हैज़ बिन सोन बाई दिस क्लाउड बॉक्स अगे यानी कि ये जो गर्ल है ये जो भी बोलती है वो कहाँ पे है इस क्लाउड बॉक्स में आप लोग अगर कोई भी कार्टून बुक्स पढ़ते होंगे तो इसमें ये आता होगा ना ऐसे ही दिखाते हैं लोग फिर यहाँ पे देखो ये क्लाउड बॉक्स जो है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है ये पॉइंट आउट कर रहा है ये क्लाउड बॉक्स डॉगी को यानी कि ये जो इसमें जो भी बातें लिखी गई इस क्लाउड बॉक्स में ये कौन बोल रहा है ये डॉगी बोल रहा है तो ये लोग कैसे बात करते हैं जरा हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं समझते हैं ओके okay? फर्स्टली जो गर्ल है ना वो क्या कहती है तो गर्ल वाला क्लाउड बॉक्स कौन सा है गर्ल का क्लाउड बॉक्स है ये वाला तो ये पढ़ते हैं ये बोलती है हेलो हेलो मीन सुनो आई एम रिति ये अपना नाम बता रही है कि आई एम रिति आप लोगों से भी पूछा जाता है व्हाट इज़ योर नेम सो व्हाट यू सी आई एम रिति आप अपना नाम लेते हैं वैसे ये भी बता रही है कि हेलो आई एम रिति मेरा नाम रीति है आई एम स्टूडेंट मैं एक स्टूडेंट हो मतलब मैं कहीं पढ़ने जाते हूँ और दिख भी तो रहा है देखो ये अपनी स्कूल ड्रेस में है फिर पीछे इसने अपना स्कूल इस बैग भी ले रखा है मीट माई पार्टनर मीट मीन्स मिलना माई पार्टनर मेरे दोस्त से मिले हैं पार्टनर मीन्स फ्रेंड निक्की यानी कि इस डॉगी का नाम क्या है निक्की है ये इसकी दोस्त है और इसी के साथ ये लोग स्कूल जा रहे हैं तो मीट माई पार्टनर देन कम टू द सेकेंड क्लाउड बॉक्स हाई ये डॉगी कैसे बोल रहे हाय आई एम निकी मैं निकी हूँ वी आर हियर टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान वर्ल्ड मीन्स संसार यानी कि हम लोग ज्ञान के संसार को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे हैं इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि वी आर हियर हम लोग यहाँ पे हैं हियर मीन्स यहाँ वी आर हियर हम लोग यहाँ पे हैं मैं एक बार रब करके फिर दोबारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे सीख लेंगे हम लोग पढ़ना भी सीख लेंगे वी आर हीयर हम लोग यहाँ पे हैं टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर करना मतलब डिस्कवर करना खोजना पता लगाना तो हम लोग यहाँ पे हैं किस लिए हैं वी आर हीयर टू एक्सप्लोर हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं हम लोग स्कूल में क्यों हैं क्योंकि वी आर हीयर टू एक्सप्लोर हम लोग डिस्कवर करने के लिए हम लोग पता लगाने के लिए क्या पता लगाने के लिए वर्ल्ड ऑफ नॉलेज ज्ञान के संसार को पता लगाने के लिए कि हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है हम लोग ये जानने के लिए स्कूल जा रहे हैं वुड यू लाइक टू बी योर फ्रेंड ये पूछ रहा है कि वुड यू लाइक क्या आप लाइक like मतलब पसंद करना वुड यू लाइक क्या आप पसंद करेंगे टू बी या फ्रेंड हमारा दोस्त होना टेल्स अबाउट योर सेल्फ अगर आप पसंद करेंगे देन टेल्स अबाउट योर सेल्फ तो फिर हमें अपने बारे में कुछ बताइए टेल मीन्स बोलना बताना सो so टेल्स हमें बताइए अबाउट योर सेल्फ आप अपने आप बारे में हमें बताइए तो हम लोगों को अपने बारे में इन लोगों को बताना है इसमें हम लोगों ने कितने वर्ड्स नए नए लर्न किए दिस वन फर्स्ट इज पार्टनर पार्टनर मीन्स क्या होता है फ्रेंड सेकेंड इज एक्सप्लोर एक्सप्लोर मीन्स पता लगाना डिस्कवर करना डिस्कवर मतलब भी पता लगाना वर्ल्ड वर्ल्ड मीन्स संसार एंड नॉलेज नॉलेज मीन्स ज्ञान ओके लर्निंग्स सो दिस इज दीज आर द फोर वर्ड्स अगेन जो हम लोगों को नया लर्न करना है एंड देन ये तो आप लोगों को अच्छे से आता है माई नेम इज़ अब आपको एक्सरसाइजेस फिल करना है आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे माई नेम इज मिस्टर अगर आप लड़के हैं तो मिस्टर और अगर आप लड़की हैं तो मिस आई एम आप जितने साल के भी हैं उतने ईयर्स लिखेंगे अगर आप छः साल के हैं तो आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड ओके, आई स्टडी इन आप किस क्लास में पढ़ते हैं स्टडी मतलब पढ़ना आप किस क्लास में पढ़ते हैं फिफ्थ तो लिखेंगे यहाँ पे फिफ्थ अगर आप फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं तो लिखेंगे आप यहाँ पे एफ आई आर एस टी फर्स्ट सेकेंड क्लास में पढ़ते हैं तो लिखेंगे एस ई सी ओ एन डी सेकेंड आई स्टडी इन सेकेंड या फिर सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आप ऐसे लिखेंगे कि आई स्टडी इन क्लास फर्स्ट या फिर क्लास सेकेंड डन माई बर्थडे फॉल्स ऑन मेरा बर्थडे कब आता है तो माई बर्थडे फॉल्स ऑन जिस भी डेट में आता है वो डेट आप लिख दीजिए जैसे अगर आपका बर्थडे सपोज करिए कि आ, आता है ट्वेंटी सेकेंड ऑफ सेप्टेंबर को तो आप ऐसे लिखेंगे ट्वेंटी सेकेंड सेप्टेंबर 22 ट्वेंटी सेकेंड ओके हम लोग जब भी हमारा बर्थडे आता है तो अगर हम थ्री ईयर्स के होते हैं तो थ्री कैंडल्स लगाते हैं फाइव ईयर्स के होते हैं तो फाइव कैंडल्स लगाते हैं सेवन ईयर्स के होते हैं तो सेवन कैंडल्स लगाते हैं नाइन ईयर्स के होते हैं तो नाइन कैंडल्स लगाते हैं अपने केक पे तो आज आप जितने ईयर्स के होंगे उतने कैंडल्स आपको लगाने हैं तो आप अपना ईयर कैलकुलेट करिए कि आपके इतने ओल्ड हैं और फिर वो नंबर लिखें यहाँ पे अगर आप सिक्स ईयर्स के हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे सिक्स यानी कि आई विल प्लेस सिक्स कैंडल्स ऑन माई बर्थडे केक मैं अपने बर्थडे केक पे कितना कैंडल्स लगाऊंगा सिक्स इट मीनस कि यू आर सिक्स ईयर्स ओल्ड ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑन माई बर्थडे अपने जन्मदिन पे आई सेल सर्व दीज गुडीज सर्व करना मतलब खाना परोसना सर्व करना मतलब खाना परोसना सो दीज गुडीज हम मैं अपने बर्थडे पे ये सारी चीज़ें सर्व करूँगा अपने दोस्तों को क्या क्या चीज़ें सर्व करनी है दिस इज़ डोसा दिस इज़ कोल्ड ड्रिंक दिस इज़ पिज्जा एंड दिस इज समोसा ये डोरेमन है यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डोरेमन विल हेल्प यू टू राइट देयर नेम्स कि डोरेमन आपकी क्या करेगा हेल्प करेगा इन राइटिंग देयर नेम्स उनके नाम लिखने में ये सारे जोराम ने ऑप्शन दिए हैं पिज़्ज़ा कोल्ड ड्रिंक डोसा समोसा तो ये तो डोसा के जैसे दिख रहा है तो डोसा पिज्ज़ा के जैसे ये है ड्रिंक ये है एंड समोसे ये हैं तो इन सब के आपको नाम लिखने हैं यहाँ पे जैसे ये नाम डोसा यहाँ पे लिखेंगे कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे लिखेंगे सॉरी सी ओ एल डी डी आर आई एन के कोल्ड ड्रिंक एंड यहाँ पे पिज़्ज़ा यहाँ पे समोसे ओके सो ऐसे आप लोगों को एक्सरसाइजेस भी कंप्लीट करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोगों को सारे नए वर्ड्स लर्न करने हैं और रीडिंग प्रैक्टिस करनी है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है ओके सो दैट इज इट फॉर टुडे बाय बाय हैव अ नाइस डे